अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं नसीर रमज़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी ट्रक चैनल। आज मैं मौजूद हूं इसुज़ू के शोरूम तरनोल इस्लामाबाद में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं इसुज़ू NPR 71 का फुल रिव्यू। इसके फीचर कैसे हैं, इसकी कीमत कितनी है, मुकम्मल डिटेल हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। नासर कियानी भाई, ये ट्रक कब लॉन्च हुआ? सर ये जो है ना 2020 में लॉन्च हुआ ना पाकिस्तान में। इसमें क्या क्या फीचर है सर? इसका जो केबन शेप जो कंपनी नई लेके आई है, एरोडायनामिक इसकी शेप है केबन की। इसके अलावा केबन में अच्छा स्पेस है, इसका खूबसूरत लुक है इसकी। इसका इंजन कितने सीसी का है सर? इसका इंजन जो है ना 4570 सीसी इसका इंजन है और ये 130 हॉर्स पावर है। क्या इसमें टर्बो भी है? जी सर, ये टर्बो चार्ज इंजन है। इसमें गियर कैसा है सर? इसका जो गियर है 5 स्पीड ट्रांसमिशन है इसका, 1 रिवर्स। इसके पार्ट्स आसानी से अवेलेबल बिल्कुल सर, किसी भी डीलरशिप से इसके पार्ट्स आपको यहाँ आसानी से अवेलेबल होते हैं, आप इसको खरीद सकते हैं। ये कितना वजन उठा सकता है सर? कंपनी की तरफ से जो गाड़ी का जो टोटल वजन है GVW है वो 9 टन है और इसमें 2.5 टन चेसिस का वजन है और तकरीबन 6.5 टन जो है इस पर पे लोड होता है, आप पे लोड कर सकते हैं। और चेसिस की लंबाई सर? चेसिस की लंबाई अभी तो कंपनी 16 फुट में दे रही है, तो आगे आने वाले वक्त में उसको 20 फुट के साथ भी देगी। ये है 750/16 का इसका टायर आता है, 100 लीटर के इसका फ्यूल टैंक आता है और इसकी एवरेज जो है ना बहुत अच्छी है इसकी। इसकी जो बड़ी हेडलाइट्स हैं वो इसकी शो को बड़ी खूबसूरत से लुक दे रही है। ये साइड मिरर है इसके, ये इसका अच्छा लुक दे रही है ड्राइवर के, इसमें कम्फर्टेबल इसको देख सकते हैं। और इसके ये जो हैंडल है ये भी अच्छे से लग रहे हैं। इसका हम आपको इंटीरियर दिखाते हैं। ओवरऑल अगर हम केबन की बात करें तो ये कैसा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? केबन तो इसका बड़ा अच्छा स्पेस इसका केबन है। इसके अलावा देखिए इसके ट्रांसमिशन जो है ना बड़ा अच्छा है, मतलब इजीली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा केबन में बैठ के आपको बड़ा अच्छा फील आपको फील हो। और सीट कंफर्टेबल के हवाले से? सीट इसकी कंफर्टेबल है, मेन इसकी ये कि ट्रक के अंदर बैठ के आपको सामने का जो व्यू है ना वो बड़ा जबरदस्त है। यूटिलिटी बॉक्स है, इसके साथ आपको सनवाइजर देखने को मिलेंगे, बड़े अच्छे बड़े सनवाइजर है। ठीक, ये बहुत ही अच्छे खासे बड़े सनवाइजर हैं और ये यूटिलिटी बॉक्स है, यहाँ पर आप किसी भी सामान अपना कैरी कर सकते हैं, कागजात वगैरह। ये लाइट भी आपको केबन में मिल जाती है। जैसे ही हम केबन के अंदर चलते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र इसके डोर पर पड़ती है। इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर भी हमें एक स्पेस देखने को मिलेगी और ये भी है स्पेस। और इसका जो डोर हैंडल है वो हमें मैनुअल डोर ऊपर नीचे हो सकती है इसका शीशा। इसका ये फुट स्टेप है, यहाँ पर इन्होंने जाली दी हुई है ताकि कोई कचरा वगैरह अंदर ना जा सके। इसके साथ ही हम एंटर होते हैं तो एक खूबसूरत कुशादा सी हमें इंटीरियर इसकी देखने को मिलती है। इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर नज़र आ रहा है और हीट का भी ऑप्शन हमें यहाँ पर गाड़ी पार्किंग के लिए इंडिकेटर के लिए इन्होंने यहाँ पर बटन दिया हुआ है। इसके साथ साथ हीटर का है और ये फैन का स्पीड कम तेज़ करने के लिए और ये हवा के लिए। और इसके साथ साथ सिगरेट लाइटर भी आपको देखने को मिलेगा, ये हो गया सिगरेट लाइटर। इसमें आप किसी भी चीज़ का अपना सामान कोई लटका सकते हैं, शापर वगैरह, और यहाँ पर आप मेकअप रख सकते हैं इजी तरीके से। दोबारा वो आगे पीछे हो सकती है, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी सीट्स जो है ये बिल्कुल आगे और काफ़ी अच्छा स्पेस है इसके पीछे जाने के लिए। यहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ दे सकते हैं, कागज़ वगैरह, टिश्यू पेपर वगैरह या बिल्टी वगैरह, ग्लासेस वगैरह, जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं, टेप वगैरह लगा सकते हैं अपनी मर्जी का, जो भी कुछ स्क्रीन वगैरह LED LCD लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे फिट होकर आएगी। इसमें 2 अदद स्पीकर भी दिए हुए हैं, इसी के लिए ये डक दिए हुए हैं इन्होंने 4 अदद। इसमें AC आता नहीं है कंपनी की जानिब से, लेकिन आप लगवा सकते हैं। वाइपर के लिए पानी आप यहाँ पर इसको फ्यूल कर सकते हैं। बताएँ इसकी प्राइस कितनी है? सर इसकी प्राइस जो है एक्स फैक्ट्री जो है वो 47 लाख रुपए ना, 4.7 मिलियन। अच्छा, 47 लाख रुपए इसकी कैश की प्राइस है। और इस्लामाबाद में आपको डिलीवरी चाहिए तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 30,000 रुपये इस्लामाबाद के होते हैं। कराची से इस्लामाबाद के लिए आपको 30,000 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। किस्तों पे भी आपको कोई प्लान है इसका? नहीं सर, इसका इंस्टॉलमेंट में तो ना कंपनी की तरफ से ना शोरूम की तरफ से, ये किसी भी बैंक से आप इसको लीज करवा सकते हैं। मिनिमम डाउन पेमेंट 20% से बैंक स्टार्ट करते हैं। डाउन पेमेंट आपको 9.5 लाख देनी पड़ेगी और इंस्टॉलमेंट जो तकरीबन जो है ना तकरीबन 82 बन जाती है 1000। और टोटल कीमत इसकी कितनी बन जाती है? 58 बन जाती है, 58 लाख के लगभग किस्तों पर। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे पेज को लाजमी से लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।